हाय हेलो नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पोकेमोन द लास्ट हेराल्ड के लास्ट एपिसोड में। तो पिछले एपिसोड में मैंने चारों इलाइट फोर को हरा दिया था और अब बारी है कीचक की यानी गैरी की। चलो चले। हे भीम, मैं तुम्हें देखने के लिए उत्सुक था। मेरा राइवल मुझसे ताकतवर होना चाहिए ताकि वो मुझे शार्प रख सके। जब मैं पोकेडेक्स पर काम कर रहा था तब मैंने सभी पोकेमोन को देख लिया। नॉट ओनली दैट, I assembled teams that would beat any Pokemon type, and now I am the Pokemon League champion. Beam, तुम्हें पता भी है उसका मतलब क्या है? मैं बताता हूँ, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर ट्रेनर हूँ। ऐसी बात है क्या? वो तो बैटल के बाद ही पता चलेगा। तो कीचक का फर्स्ट पोकेमोन है स्नॉलेक्स। जाओ राजू, यूज करो सर्फ। ओके, डैमेज ज्यादा नहीं मिला लेकिन इसने बेलिड्रम से अपनी एचपी कम कर दी। वाओ, क्या बात है यार। नहीं यार, इसने फिगी बेरी भी खा ली, ये बुरी बात है यार। ठीक है चलो स्टार्टर, अब तुम संभालो इसे। मुझे पता था ये अर्थक्वेक यूज करेगा, इसीलिए मैंने स्टार्टर को बुलाया। ओह यस, क्या बात है, नॉनएक्स फेंटेड। ओके, तो कीचक का अगला पोकेमोन है मेटाग्रॉस। एक स्टील और साइकिक टाइप, उसके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही फायर टाइप अटैक है। लेट्स गो लुकारियो। मेगा एवोल के साथ यूज करो ब्लेज किक। ओह, मेटाग्रॉस भी मेगा एवोल हो रहा है, तो अब कांटे की टक्कर होगी। अर्थक्वेक, नहीं यार। ओके, लुकारियो बच गया लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, हमें फुल रिस्टोर यूज करना पड़ेगा। अरे यार, इसने भी यूज कर लिया। ठीक है लुकारियो, फिर से ब्लेज किक। फिर से ब्लेज किक का इसका मतलब फिर से अर्थक्वेक थोड़ी ना होता है यार। अरे ठीक है चलो, कोई बात नहीं, लुकारियो बच गया। यस, और ये बर्न भी हो गया। चीटिंग 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 करता है तू, सपने देख रहा था मैं। फिर से अर्थक्वेक। नहीं यार, प्लीज प्लीज लुकारियो बच जा यार। क्रिटिकल हिट के साथ लुकारियो फेंटेड, मुझे इसका ही डर था। अब किसे बुलाऊं? चलो मंजुलिका। मंजुलिका यूज करो फेंट अटैक। मीटियोर में ऐसा वेट कर दिया, बहुत बढ़िया। जाओ एक और बार फेंट अटैक। इस बार अवॉइड नहीं कर पाए लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास डिसगाइज जो है। बहुत बढ़िया, अब ये हारने ही वाला है। तो गाइस, इसने मिट्टी और मैस से मंजुलिका को भी फेंट कर दिया लेकिन कोई बात नहीं, अभी राजू बाकी है। जाओ सकर पंच। नानी, तुम्हारे वा मो शिंदे इरु। अब क्या करूं, मेरे पास दो ऑप्शन है, अटैक करूं या फिर फुल रिस्टोर। अटैक, मैं झुकेगा नहीं। बच गया। फिर से मिट्टी और मैस। जाओ स्टारेप्टर, इस मेटाग्रॉस की छुट्टी कर दो। तुम कौन सा अटैक यूज कर सकते हो? क्लोज कॉम्पैक्ट नहीं, ब्रेव वर्ड नहीं, फ्लाई भी नहीं, फाइनल गैम्बिट। हाँ ये अच्छा रहेगा, लेकिन ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? अगर मेरे दिमाग की बत्ती जल्दी चलती तो ये मेटाग्रॉस कब का हार गया होता और मेरा राजू, मंजुलिका और लुकारियो बच जाता। वेल, जो होना था वो हो गया। चलो टॉक्सिसिटी। अरे यार, इसके पास इंसेनर और भी है। चलो कोई बात नहीं, हम इसे पैरालाइज तो कर सकते हैं ना। यूज करो नजल। बढ़िया रंगीला, अब सिर्फ तुम बची हो और टीम के लिए तुम्हें शायद सैक्रिफाइस देना होगा क्योंकि अभी मुझे राजू की जरूरत है। फ्लेम चार्ज, हाँ पता ही था। जाओ राजू, यूज करो सर्फ। अबे डरपोक, चेंज कर दिया पोकेमोन। ठीक है, अब रिवाइव करना पड़ेगा लुकारियो को। ग्रासी ग्लाइड और रिजल्ट हम सभी को पता है। जाओ लुकारियो, यूज करो ब्लेज किक। अरे यार, उसकी पीपी ही नहीं है। तो फिर यूज करो स्ट्रेंथ और पावर। नहीं लुकारियो, कम ऑन, तू हार नहीं सकता यार। यस, बहुत अच्छी लुकारियो, अब मजा आएगा। कब से बहस की आंख कर रहा है ना।
खुश हो गया, अब देख मजा, जाओ उस टाइप का यूज करो फ्लाई ड्रेन पंच। लेकिन इतना इफेक्टिव कैसे यार? फिर से ड्रेन पंच, हलवा समझा क्या? तो आखिरकार रिलाबूम फेंटेड और नेक्स्ट पोकेमोन है वी लॉर्ड। तो अब बारी है राजू को रिवाइव करने की। ओके डन, लेकिन वाटर स्पाउट से स्टारेप्टर फेंटेड। लेट्स गो राजू, अब हमें रंगीला को रिवाइव करना है। एक और बार वाटर स्पाउट और राजू आसानी से बच गया। जाओ रंगीला, ओ आते ही वाटर स्पाउट से स्वागत, ठीक है। जाओ रंगीला, यूज करो जी पावर वाला ब्लूम डूम। अबे कितना डरता है रे, हारने आए तो पोकेमोन चेंज। यार पोकेमोन गेम में भी ऐसे कोई रूल होने चाहिए। रंगीला का जी अटैक बेकार कर दिया। चलो राजू, अब सिर्फ तुम ही इसे हरा सकते हो। क्लैंक स्किल्स गया। एक और सेक्रीफाइस मांगता है रंगीला। जाओ मंजुलिका, यूज करो प्ली रफ। ओ यस, क्या बात है मंजुलिका, दिल खुश कर दिया, वन हिट फेंटेड। राजू रिवाइव और रंगीला भी। अब कहाँ बच के जाएगी वे लॉर्ड? स्ट्रगल, अरे यार बेचारी के मुंह खत्म हो गए। रंगीला गीगा ड्रेन फिर से बदल दिया। जाओ राजू, यूज करो सर्फ। इसी के साथ इंजीनियर और भी फेंटेड। अब सिर्फ वी लॉर्ड बची है। जाओ रंगीला लीव स्टॉर्म। अरे यार अभी भी बच गई आइस बीम। लेकिन कैसे, अभी तो इसने स्ट्रगल यूज किया था ना। छोड़ो जाने दो, गीगा ड्रेन और हम जीत गए। मैं हूं अब कांटो का नया चैंपियन। नहीं वो नहीं हो सकता, तुमने मेरे बेस्ट को हरा दिया। आफ्टरऑल इसी चीज के लिए मैं लीग चैंप बना था। माय रेन इज ओवर ऑलरेडी, इट्स नॉट फेयर। क्यों क्यों मैं हारा? मैंने कभी भी अपने पोकेमोन को रेस करने में कोई भी मिस्टेक नहीं की। डैन इट, यू आर द न्यू पोकेमोन लीग चैंपियन। ऑल्दो मुझे ये पसंद नहीं फिर भी। बीम, तो तुम जीत गई, सिंसियरली कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके मुझे सब कुछ पता है। बीम मेरे साथ चलो। तो गाइस आखिरकार मेरी पोकेमोन अब होंगी हॉल ऑफ फेम में। राजू रंगीला स्टारेप्टर टॉक्सिसिटी मंजुलिका और लुकारियो। तो गाइस आखिरकार तकरीबन एक साल के बाद मैंने ये गेम खत्म कर दिया। अभी भी थोड़ा गेम बचा है लेकिन मैं फिर से जिम लीडर्स को चैलेंज नहीं करने वाला। और लेजेंडरी हंटिंग मैंने सभी कर ली थी लेकिन वो वीडियो करप्ट हो गया, इसलिए अब सिर्फ ये बचा है। ये शायद से मिथिकल पोकेमोन होगा क्योंकि ये लेजेंडरी तो नहीं है। ब्लिस फेलोन या फिर ब्लैक फेलोन मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसको पकड़ भी नहीं सकता। ठीक है तो फिर हरा ही देते हैं। टॉक्सिसिटी नजल पैरालाइज सक्सेसफुल। अब स्पार्क, ओह ये तो कुछ ज्यादा ही आसान था, माइंड ब्लोन। लेकिन टॉक्सिसिटी बच गया और ब्लेस फेलोन फेंटेड। अभी भी डार्क राय और सैड होलुगिया बचे हैं, तो चलो सैड होलुगिया को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये रोमिंग लेजेंडरीज बहुत परेशान करते हैं, कहीं भाग ना जाए फिर से। यार शायद फिर से भाग गया, तो मैंने फिर से कोशिश की और आखिरकार यहां मिल गया। एंड गेस व्हाट, इसको भी हम नहीं पकड़ सकते। पूरा मूड खराब कर दिया। तो गाइस बस पोकेमोन द लास्ट फेयरड अब खत्म हो चुकी है। मैं फिर से जिम लीडर्स को चैलेंज नहीं करना चाहता। आई होप आपको लास्ट एपिसोड में भी उतना ही मजा आया हो जितनी पूरी सीरीज में मजा आया था। मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो मनुष्य स्त्रियों का मान नहीं करते, उन्हें नीची दृष्टि से देखते हैं, शनि उनके स्वाभाविक शत्रु बन जाते हैं।
और साढ़े साती में उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं। स्त्रियों का सम्मान करना, उन्हें बराबरी का दर्जा देना कितना आवश्यक है। शनि की साढ़े साती हमें ये भी सिखाती है।